भारत में अनेकों ऐसी गुफाएं मौजूद हैं जो आज तक वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। देश में कई गुफाएं हैं जिनका रहस्य आज भी अनसुलझा है। ऐसी ही एक गुफा देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित इस रहस्यमय गुफा का नाम है पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर, जिसका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। इस गुफा के गर्भ में दुनिया के खत्म होने का रहस्य छिपा हुआ है। समुद्र तल से 90 फीट नीचे स्थित ये मंदिर जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है। इसके अंदर जाने के लिए बेहद ही सकरे रास्ते हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। पुराणों के मुताबिक पाताल भुवनेश्वर के अलावा ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ एक साथ चारों धामों के दर्शन होते हो। ऐसी मान्यता है कि गुफा में एक साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ देखे जा सकते हैं। ये पवित्र और रहस्यमय गुफा अपने आप में सदियों का इतिहास समेटे हुए है। इस गुफा में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सूर्य वंश के राजा और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करने वाले राजा ऋतुपर्णा ने इस गुफा की खोज की थी, जिसके बाद उन्हें यहाँ अपने शीश पर पृथ्वी का भार वहन करने वाले नागों के राजा अधिशेष मिले थे। ऐसा कहा जाता है कि इंसानों द्वारा मंदिर की खोज करने वाले राजा ऋतुपर्णा पहले व्यक्ति थे। अधिशेष ऋतुपर्णा को गुफा के अंदर ले गए, जहां उन्हें देवी देवताओं के साथ साथ भगवान शिव के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि फिर उसके बाद इस गुफा की चर्चा नहीं हुई और फिर द्वापर युग में पांडवों द्वारा इस गुफा को फिर से ढूंढ लिया गया, जहाँ वो इस गुफा के पास भगवान की पूजा करते थे। मान्यता ये भी है कि द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ भगवान शिव के साथ चौपड़ खेला था। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि पाताल भुवनेश्वर में भगवान शिव निवास करते हैं, जहाँ सभी देवी देवता उनकी पूजा करने के लिए आते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने कलयुग में इस गुफा की खोज की थी और यहाँ पर तांबे का शिवलिंग स्थापित किया था। इस मंदिर में रण द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार के नाम से चार दरवाजे हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब रावण की मौत हुई थी तो पाप द्वार बंद हो गया था। फिर महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद रण द्वार भी बंद हो गया था। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान गणेश का कटा हुआ सिर स्थापित है और यहाँ पर भगवान गणेश को आदि गणेश कहा जाता है। इस मंदिर में चार खम्भे है जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का प्रतीक है। इनमें कलयुग के खम्भे की लंबाई सबसे ज्यादा है। इस गुफा को लेकर एक और खास बात ये भी है कि यहाँ एक शिवलिंग है जो लगातार बढ़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि जब ये शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा तब दुनिया खत्म हो जाएगी। विज्ञान भले ही इस बात से इत्तेफाक ना रखता हो, लेकिन ये गुफा आज भी जहाँ धार्मिक लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, वही पर्यटकों के लिए कौतूहल का विषय, जो अपने अंदर पुरातन काल के कई रहस्य खुद में समेटे हुए है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाए।